जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुल्तान अहमद और आप सब मुझे तो जानते ही होंगे। पहले बहुत से वीडियो के माध्यम से हमने समझाने की कोशिश किया बहुत सारा ऐसा बात, पर आज ही मैं एक नया वीडियो में हाजिर हूं। आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कुछ अलग टॉपिक, जो कि ऑपरेटर शोषण के बारे में आज बात करने वाला हूँ आप लोग के सामने। तो दोस्तों, ऑपरेटर शोषण, चाहे आप देख लीजिए उड़ीसा, देख लीजिए झारखंड, देख लीजिए बिहार, देख लीजिए या फिर उत्तर प्रदेश, देख लीजिए हरियाणा, देख लीजिए चाहे वो किसी छत्तीसगढ़ देख लीजिए, इंडिया का हर एक जगह का ऑपरेटर क्यों ना, चाहे वो वेस्ट बंगाल क्यों ना देख लीजिए, हर एक जगह का ऑपरेटर आज शोषण हो रहा है। वो क्यों हो रहा है, वो चीज़ हम सब के ऊपर आज जानने के लिए हम लोग कोई मेंशन ही नहीं किए हैं कि हम लोग जान पाएँ कि क्यों होता है शोषण, असल मुद्दा क्या है, हम लोग का कमजोरी क्या है हम ऑपरेटर लोग के लिए। तो हम लोग का कमजोरी आज मैं आप लोग के सामने जो मेरा माइंड में चल रहा है आज मैं उसी को बताने वाला हूँ कि हम लोग का कमजोरी क्या है, आज उसी के बारे में बात करूँगा मैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, वीडियो थोड़ा सा समय लगेगा, आप लोग देखिए। दोस्तों, सबसे पहला चीज़, हम सब तो काम में जाते हैं और काम में जाने के बाद में हम सब कोई एविडेंस हम लोग बनाते नहीं। सबसे पहला एविडेंस क्या, जैसे कि अगर कोई ओनर मशीन का ओनर हो चाहे कंपनी हो, कहीं पर अगर काम में डाल रहा है अपना मशीन को, तो उसके पास सपोज एक एग्रीमेंट, इकरारनामा वो रेडी करता है, उसके बाद भेजता है, उसके बाद वो काम करता है वहाँ पर, ताकि फ्यूचर में अगर कोई ठेकेदार कंपनी हो, मालिक हो, अगर उसको फ्यूचर में अगर पैसा ना दे तो उस एग्रीमेंट, उस पेपर के वजह से जरिए वह एक लड़ाई लड़ सकता है अपना खुद का। तो पैसा हम यही चाहते हैं कि ऑपरेटर के साथ भी एक ऐसा एक पेपर रेडी हो, एक इकरारनामा, एक एग्रीमेंट रेडी करा ले, उसके बाद ही जाया करे, एक लेटर पैड बने आपका भी, मालिक कंपनी के पास रहता है लेटर पैड, वो लिख के साझ मार के दे देगा अपने पास, आप रखे रहिएगा उसको। तो ये चीज़ सबके पास भी होना जरूरी है, मतलब कोई भी हो, चाहे छोटा छोटा मतलब ओनर क्यों ना हो, चाहे हर एक आदमी पास रहता है, आज के सभी कोई टैक्स देता है मालिक लोग, बहुत से ऐसा मालिक है जो बनवा के रखता है लेटर पैड और उसमें सारा प्रूफ अपना देता है, ठीक है। पहला चीज़, तो ये चीज़ नहीं होता है और ये चीज़ ना होने के कारण में हम लोग कोई सबूत नहीं होता है और मालिक लोग हम सब के ऊपर में करोड़ों का मशीन दे देता है और देने के बाद में कुछ मिस्टेक हो जा रहा है मशीन से, मशीनरी चीज़ है, ख़राब तो होता ही है, तो उसको जिम्मेदारी बता देता है ऑपरेटर साथी के ऊपर, और ऑपरेटर साथी के ऊपर जिम्मेदार बता करके उसको कई लाख का मुआवजा ब्लेम दे करके झूठा फायर भी कर देता है, फंसा देता है, बहुत सारा पेमेंट रोक लेता है, मारपीट के भगा देता है, पेमेंट नहीं देंगे बोल के चला जाता है, यही होता है मैं। अगर वो पेपर अगर बन जा रहा है तो आप उसके साथ में एक लड़ाई लड़ सकते हैं उस पेपर के थ्रू, यही है। अब रही बात कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, जो मेरा दिमाग में चल रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। अब ये चीज़ होगा कैसे, तो ये चीज़ अपनाने के लिए हम सबका संस्था हम लोग चला रहे हैं, ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन, और मेरा तो विचार यह है कि बारिश में अभी सभी ऑपरेटर घर में है, हर एक जगह का ऑपरेटर घर में चला जाता है और किसी को काम मिलता है, किसी को काम नहीं मिलता है, बारिश में सबके मतलब बैठ जाता है। तो अभी बारिश का समय चल रहा है, तो मैं क्यों ना एक सिस्टम अपनाया जाए कि ज़्यादातर, मैं पूरे तो नहीं बोल सकता हूँ एक साथ में, पूरा ऑल इंडिया का, चाहे बिहार, उड़ीसा, झारखंड, जो भी बताया मैं, पूरा तो नहीं बोल सकता हूँ, चाहे वेस्ट बंगाल, लेकिन कम से कम जो 50% जहाँ ऑपरेटर है, मैं सिर्फ तो सिर्फ झारखंड का हजारीबाग जिला को मैं बोल रहा हूँ, जो कि 50% वहाँ ऑपरेटर है, और वहाँ ज़्यादा ऑपरेटर होने के कारण में झारखंड सभी ऑपरेटर भाइयों को झारखंड में जगह नहीं मिलता है काम में, और वहाँ का भी ऑपरेटर बाहर चला जाता है, सब जगह ऑपरेटर जाता है, एक जगह नहीं बोल रहा हूँ, हर एक जगह जाता है, हम लोग सभी जगह के ऑपरेटर को एक नज़र से देखते हैं, जैसा बिहार हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, हर एक जगह हम लोग जा कर के मीटिंग कर रहे हैं, ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन मीटिंग कर रही है। तो सपोज, खैर अगर मैं मुद्दा की बात में आता हूँ, ज़्यादा बात खींचूँगा तो लंबा हो जाएगा, मुद्दा की बात बोलते हैं, मेरा एक प्लानिंग है कि आप सभी ऑपरेटर भाई से मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो सिस्टम मैंने पिछला बताया या सिस्टम अपनाने का कोशिश करें, अगर उसमें अगर दिक्कत आ रही है तो ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन को आप लोग बुलाइए, वहाँ पर ही हम लोग
हमारे कार्यकर्ता वहाँ पहुँचेंगे, आप लोग से राफ्ता करेंगे, सजेशन लेंगे, विचार करेंगे और एक चीज़ उसका साथ में मिलकर के आप लोग काम कीजिए, ताकि आप लोग को यस सॉल्यूशन, आप लोग का एक प्लेटफॉर्म है ये, ये केंद्र सरकार से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, आप लोगों को कोई कुछ बोल नहीं सकता है, इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना आवाज़ उठा सकते हैं। तो ज़्यादा मशीन भी वहीं है, ऑपरेटर बहुत ज़्यादा वहाँ पर ही है, इसलिए मैं ध्यान केंद्रित करते हैं वहाँ के ऑपरेटर भाइयों से कहना चाहता हूँ कि इंडिया में एक ही एक जगह है हजारीबाग ऑपरेट, जो कि झारखंड में स्थित है, वहाँ पर ही ज़्यादा ऑपरेटर है। तो आप सभी ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन को आप बुलाइए, 4 तारीख, अभी तो अगस्त चल रहा है, अगस्त सितंबर में आप लोग बुलाइए, 4 सितंबर को बुलाइए, और कोई एक ऐसा जगह फिक्स कीजिए ताकि वहाँ पर ही एक अच्छा सा मीटिंग हो, आम मीटिंग, आम सभा, और उस मीटिंग से सभी ऑपरेटर को बुलाइए वहाँ पर ही, किरान हो, जेसीबी हो, हाइड्रा हो, पोकलेन हो, डोजर हो, ग्रेडर हो, ब्लाचिंग प्लांट ऑपरेटर हो, हर एक जगह का ऑपरेटर, सभी प्रकार का ऑपरेटर, नाना प्रकार का मशीन है हमारे इस इंडिया में जो कि कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़ा हुआ है, आप लोग बुलाइए 4 सितंबर को, और बुलाइए, हम लोग आने के लिए रेडी हैं, और उसमें बुलाइए, बुलाने के बाद में वहाँ पर एक मीटिंग किया जाए, आम सभा मीटिंग, और उस मीटिंग को घंटा या 1.5 घंटा की मीटिंग ही मात्र रखा जाए, और वहाँ से एक मार्च निकाला जाए, पूरे भारत में एक ये दिया जाए, मतलब एक निर्देश दिया जाए कि ऑपरेटर भी अपना मार्च निकाल सकती है, वहाँ से एक शुरुआत किया जाए, उसके बाद में हर एक जगह का ऑपरेटर भी जागेंगे। आप लोग वहाँ पर एक ज़्यादा ऑपरेटर बोल करके मैं आप लोग को एक विचार दे रहा हूँ, मैं भी झारखंड से हूँ इसीलिए मैं विचार दे रहा हूँ, अगर वहाँ से अगर कुछ बड़ा कुछ किया जाए ना, तो पूरे इंडिया में तख्ता पलट हो सकता है ऑपरेटर भाइयों के लिए, काहे कि वहाँ पर जितना ज़्यादा ऑपरेटर है ना, एक जिला में, वो कहीं अलग अलग जिला में दूसरा राज्य का नहीं है, इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग बुलाइए वहाँ पर ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन का चीफ जो है हमारे बबलू कुमार जी, मोबाइल नंबर आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, कॉल कीजिए, लोकल ऑपरेटर का भी बातें कीजिए, रफ्ता कीजिए, विचार कीजिए, सजेशन दीजिए, और वहाँ से कुछ किया जाए। अभी बारिश का समय है, कहीं आप लोग तो गए नहीं होंगे, बहुत सा ऐसा ऑपरेटर घर में बैठा है, बहुत सा सीनियर ऑपरेटर, तो आप लोग से विचार यही मैं बनाने के लिए आप लोग, मैं अपील कर रहा हूँ कि 4 सितंबर आप लोग बुलाइए 4 सितंबर को, और वहाँ से एक छोटा आम सभा ऑपरेटर का मीटिंग किया जाए, हज़ारों के तादाद में ऑपरेटर वहाँ पर आइए, और वहाँ पर हर चीज़ की व्यवस्था किया जाएगा ऑपरेटर के लिए, और वहाँ से एक मार्च निकाला जाए ऑपरेटर भाइयों के लिए, ताकि वह मार्च कामयाब हो सके, सरकार के कान में भी वहाँ से गुहार लगाया जाएगा, और मशीन ओनर को भी कान में गुहार लगाया जाएगा वहाँ पर, क्योंकि हम सब का पेमेंट थोड़ा बढ़ा करके दें, पेमेंट हर जगह मशीन का दाम वही, डीजल वही रेट, वही हर चीज़ है, तो वहाँ पर ही आप लोग को पेमेंट सब जगह के एक होना चाहिए, या तो कहीं ज़्यादा कहीं, अगर वहाँ से ऑपरेटर केरला में काम करने जा रहा है तो वहाँ पर 25,000-30,000 क्यों है, वहीं का ऑपरेटर आंध्रा में काम कर रहा है तो 20,000 क्यों है, समझने की बात है, लेकिन डीजल सेम है, सेम काम कर रहा, मशीन का रेंट बोले तो 2 लाख रुपया पार है, 2,20,000 रुपया, सेम वही रेट इधर भी है, लेकिन इधर का आदमी लोग क्यों आखिर कम दे रहा है हमारे झारखंड का, तो वहाँ से भी गुहार लगाया जाएगा, अन्यथा आइए सब कोई, और वहाँ से एक विचार, एक धारा पर चलने की कोशिश कीजिए, आप लोग का अपना एक संस्था लॉन्च हो चुका है ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन, उसका साथ दीजिए, सभी ऑपरेटर को उसमें एक जुड़िए, और जुड़ करके कदम से कदम मिलाकर चलिए, मकसद वहाँ ना रखिए कि हम सबको अच्छा काम एक पर्सन को मिले, सभी ऑपरेटर को वहाँ पर ध्यान दीजिए, और एक अच्छा सा एक कदम का पहल करें, वहाँ से एक शुरुआत किया जाए, ताकि पूरे भारत का ऑपरेटर भी जागरूक हों, और ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन को बुला करके वहाँ पर ही अच्छा सा एक अलग अलग जगह में भी मार्च किया जाए, छत्तीसगढ़ हो, आंध्रा हो, उड़ीसा हो, हर एक जगह का ऑपरेटर एकत्रित होकर के बुलाएगा, तो पहला स्टार्टिंग वहीं से किया जाए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बार बार कि वहाँ पर ऑपरेटर का संख्या 50% वहाँ पर ही है, हर घर में ऑपरेटर, लाखों का तादाद में वहाँ पर ही ऑपरेटर है, अगर सभी को मिलाया जाएगा तो ठीक है, मिलते हैं, जैसा आप लोग का सजेशन होगा वैसा हमने फिर से वीडियो बना करके आप लोगों में बता दूंगा, आप लोग
सजेशन दीजिए। तो मिलते हैं दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।